बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज कश्मीरी फूडी डिलाइट में हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर गाजर। इसको मिक्स वेजिटेबल्स भी कहते हैं। इसकी रेसिपी बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, लेकिन इंग्रेडिएंट्स पे जाने से पहले व्यूअर्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी फेवरेट रेसिपीज़ जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ ताकि हम उसको भी कश्मीरी फूडी डिलाइट के प्लेटफॉर्म से बनाएँ। और कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं आपके घर में सबसे अच्छे आलू मटर गाजर कौन बनाता है, कौन पर्सन है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसके अब इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। हमने गाजरें ली हैं 3 अदद, थीन को बारीक से स्लाइसेस में काट लिया। उसके बाद इसमें हमने आलू लिए हैं 2, एक बड़ा लिया था मैंने और एक छोटे साइज़ का, उसको अच्छे से छील के काट लिया क्यूब्स में। अब हमने इसमें मटर शामिल करने हैं। ये तकरीबन मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप शामिल किए हैं। और हमने इसमें शामिल करना है प्याज, एक स्मॉल साइज़ का, हमने इसको स्लाइसेस में काट लिया था। इसमें हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी सूखी हुई, 1 टेबलस्पून ये शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे नमक, शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच और हल्दी शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। ये तमाम अज़ाजा आज की रेसिपी में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अब हम आते हैं आलू मटर गाजर की प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने लिए कढ़ाई, उसके अंदर हमने शामिल किया है कुकिंग ऑयल। तेल जब गर्म हो जाए इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ, उसको डालेंगे और इसको लाइट ब्राउन सा फ्राई करते हैं। अब जी हमारा प्याज जब लाइट ब्राउन सा फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे स्लाइसेस में कटी हुई गाजरें, वो शामिल करेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे और हल्का सा एक दो मिनट के लिए, जब अच्छे से जो है मिक्स हो जाती है फ्राई, इसके बाद जो है अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे क्योंकि हम इसको फ्राई कर रहे हैं ताकि प्याज की कुकिंग रुक जाए। इसके बाद हम इसके अंदर आलू डालेंगे और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। ये भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको सौते करेंगे। आलू के बाद अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे और इसको भी जो है हम थोड़ी देर से भून लेंगे। अलग अलग से हम इसको इसलिए बनाई कर रहे हैं क्योंकि आलू मटर गाजरों की जितना ये सालन भुना हुआ होता है उतना जो है इसका टेस्ट बेहतर होता है। अच्छा, इसको भी भूनने के बाद जब सूखी मेथी थी वो शामिल किया इसके अंदर और इसके साथ ही जो है अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, मिर्च और हल्दी। ये मसाले बस 3, नमक, मिर्च, हल्दी और 1 सूखी मेथी, वो हमने शामिल किया और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं था, वो जब एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा भून डाला था प्याज की कुकिंग रोकने के लिए। उसके बाद ये हमने अब इसको मसाले को अंदर मिक्स किया है और मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसी तरह थोड़ा भूनेंगे। थोड़ा भून के बुनाई के दौरान पकाने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप, जो मेजरमेंट वाला 1 कप होता है वो पानी हम शामिल करेंगे और एक दफ़ा मैं हिला रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसको कुक करने का टाइम देना है, इसके लिए डाउन करनी है यानी ढक्कन देना है और इसको हम लोगों ने पकाना है तकरीबन 7 से 10 मिनट तक। ठीक है, हम इसको हल्की से थोड़ी तेज़ आंच पर पकाएंगे। अब मैंने जब इसका टाइम कंप्लीट हुआ, इसका हमने ढक्कन उठाया तो आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका था। अब ये हल्का हल्का भून रहा था, लगा नहीं था, ये खुश्क पानी हो चुका था। इसके बाद हमने इसको चम्मच से हिलाया और हमारा जो सब्जियां थी वो गल चुकी थी, इसको मिक्स किया है। हम इसके बाद इसका आलू कोई एक सा लेके सब्ज़ी को हम चम्मच से दबा के चेक कर लेंगे कि गला या नहीं। तो हमारा तो पक चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कसर रह जाती है, मीन्स थोड़ा सा आपको लगता है गैर है, आलू वगैरह कच्चा, तो आप इसको इसी तरह थोड़ा सा और भून पानी शामिल किया और भून के जो है ना पक जाएगा। और बुनाई इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस मिक्स वेजिटेबल की जितनी बुनाई होती है ना तो उतना इसका मज़ा आता है। भूनने के बाद इसकी ये जो है वो शक्ल आई है फाइनल पे। इसने जो तेल था इसका अलग से आ गया हुआ था, छोड़ दिया हुआ था इसने भून के। और अब इसकी बारी आती है प्रेजेंटेशन की। तो जी हमने इसको डिश आउट कर दिया, वो हमारी कढ़ाई खाली और ये आप देख सकते हैं इसकी शक्ल के हमने जो इसको डिश आउट कर दिया और इसको गार्निश की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब अगर आप धनिया के या मिर्चें वगैरह नहीं, लेकिन अगर आप चाहें लास्ट पे अपनी मर्ज़ी के गरम मसाला जो है वो आप डाल सकते हैं हल्का सा, वो देखिए वो मैंने डाल दिया और अब जो है हमारी जो डिश है प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। इसको हम जो है सर्व कर सकते हैं। चलिए तो जनाब अब ये हमारी जो डिश थी फ़ोटोशूट के लिए तैयार थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से आगाह करें हमें कमेंट बॉक्स में। आपको रेसिपी कैसी लगी है? अपना अपनों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।